कभी कभार मुझे याद है पिछले सत्र में हमारी बहुत मजाक उड़ाई गई। मैं नहीं जानता हूं इस प्रकार का भाषा का प्रयोग जो कर रहे थे उचित होता था। यहां तक कह दिया कि आपको वीजा दे रहे हैं पार्लियामेंट में आने का। इस प्रकार का प्रयोग करने वाले लोगों को मैं और तो कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर कुछ काम निर्धारित होते हैं जिसको करने पड़ते हैं। उन मीटिंगों में पहले के प्रधानमंत्रियों को भी जाना पड़ता था, इस प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है, भविष्य में जो आएगा उसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन वही एक मजाक का विषय बन जाए कि हमारी राजनीति इतनी नीचे आ गई है कि हम कोई ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं कि आपके पास मेरी आलोचना करने के लिए और कोई मुद्दे नहीं बचे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर आपको देश की इतनी चिंता थी तो आप इस देश का प्रधानमंत्री विदेश गया तो कितना समय कहां बिताया, कभी उसकी भी तो जांच कर लेते, कभी उसकी भी तो इंक्वायरी कर लेते। मैं आज कहना चाहता हूं जी, मैं जापान गया तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरियट साइंटिस्ट याकामा को मिलने गया। क्यों? फोटो निकलवाने के लिए। मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है, और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें, मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है उससे वो बाहर आए। हम ऑस्ट्रेलिया गए, G20 समिट में गए, हम कहां गए? मैं उस किसानों के साइंटिस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को मिलने गया, उनके लैब में गया जिन्होंने प्रति हेक्टर ज्यादा चना उगाने का और सबसे खराब धरती पर चना उगाने का सफल प्रयोग किया था, रिसर्च किया था, कहीं पढ़ा था मैंने, मेरे मन में पढ़ा था, मैं उनके पास गया। हमारे देश को पल्सिस में हम बहुत पीछे हैं, देश को पल्सिस की जरूरत है, गरीब आदमी को न्यूट्रिशन फूड के लिए प्रोटीन जरूरत है, हमारे देश के गरीब को प्रोटीन मिलता है दाल में से, पल्सिस में से मिलता है। अगर हम किसान, हमारा किसान अच्छी मात्रा में पल्सिस पैदा कर सकता है, अगर प्रति हेक्टर ज्यादा पल्सिस पैदा कर सकता है तो उसको भी अच्छी आय मिलेगी और हमारे गरीब का भी भला होगा। और इसलिए मैं उन साइंटिस्ट के पास जाकर के घंटे बिताए ये समझने के लिए कि बताइए मेरे देश के किसान को ज्यादा पल्सिस पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, ज्यादा चना पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, हरहर अरहर पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, उसके लिए मैंने समय बिताया। मैं एक और साइंटिस्ट के पास गया, इस बात के लिए गया मिलने के लिए कि उन्होंने केले में कुछ नई खोज की थी। मैं समझना चाहता, मुझे पूरा पता नहीं था तो मैं ऐसे ही चला गया उनके पास, उनके साथ बैठा, उनकी लैब देखी, उनके प्रयोग देखे। उन्होंने केले में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने में बहुत सफलता पाई है, अधिक विटामिन को पाने की सफलता पाई है। केला ये अमीरों का फल नहीं है मेरे भाइयों बहनों, केला ये गरीब से गरीब का फल है। अगर केला उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ता है, विटामिन अगर ज्यादा अच्छे मिलते हैं और इस प्रकार की खोज के साथ केला बनता है तो मेरे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति केला खाएगा, उसको ज्यादा ताकत मिलेगी। अगर विदेश जाते हैं तो इस काम के लिए जाते हैं, देश का गरीब हमारे दिमाग में होता है,
देश का आदिवासी हमारे दिमाग में होता है, देश का किसान हमारे दिमाग में होता है, और दुनिया में जो भी अच्छा है, जो मेरे देश के गरीबों के काम आए, उसको लाने की तड़प होती है। उस तड़प के लिए हम कोशिश करते हैं, और इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम किस प्रकार से हमारे देश को आगे ले जाएं, उसके लिए सोचते हैं, उसी को लिए करते रहते हैं, उसी पर हम करने के लिए कोशिश प्रयास करते हैं।